नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो ये रैंक वाइज है, और ये रैंक वाइज पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है कि ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, और डाउनलोड हो गई तो ओपन नहीं हो रही है। तो चलो इस बात का समाधान मैं आपको कर देता हूँ कि आपको ये किस प्रकार से ओपन करनी है। इसके अलावा एक कमेंट और आया था एक स्टूडेंट का कि जो रैंक है जिनके सेम नंबर है, जैसे ये सेम नंबर है और इनकी रैंक है जो आपने सेम निकाली है, जैसे स्क्रीन थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो आपने ये नंबरिंग किस बेस पे दिया है। तो ये नंबरिंग है जो मिलेगा किस बेस पे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको मिलेगा DOB के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको मिलेगा। जो भी डेट ऑफ बर्थ जिसकी हाई होगी उसको हायर मेरिट मिलेगी, मतलब जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसकी रैंक हाई आएगी। अब इन चार पाँच लोगों में अपन तुलना करें तो मान लें कि सबसे बड़ा यदि ये है, कौन, गुजर को मान लेते हैं, तो यदि गुजर बड़ा है तो इसको थर्ड रैंक मिलेगी, फर्स्ट रैंक और थर्ड रैंक इसको मिल जाएगी। जो भी हायर एज में होगा उसको रैंक पहले मिलेगी। अब मैंने किस अनुसार इसको सेट किया है, मैंने आप इसमें सेट किया है ये सीरियल नंबर के अनुसार। ये देखिए आप थर्ड नंबर पर आते हैं, अपन सीरियल नंबर के अनुसार सेट किया है। जो सीरियल नंबर हाई है, जो भी पहले आएगा उसको मैंने पहले प्राथमिकता दी है, सीरियल नंबर के अनुसार मैंने सेट किया है। और जो आपको मेरिट बनेगी वो आपको मिलेगी DOB के अनुसार, ठीक है। तो ये वाला कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, उम्र में बड़ा होगा उसको हायर मेरिट मिलेगी। यदि DOB सेम होगी तो फिर बाद में आपको 12th का मार्क्स देखा जाएगा, सबसे पहले आपकी DOB देखी जाएगी। इसके बाद में चार पाँच क्राइटेरिया बना रखे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं बताता हूँ कि इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको दो ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पहला ऐप तो है टेलीग्राम, ठीक है, पहला ऐप तो है टेलीग्राम, और दूसरा ऐप है XLXS ऐप। ये दोनों ऐप इंस्टॉल करोगे तो ही ये फाइल आपके पास ओपन हो पाएगी। तो टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद में आपको सर्च करना है मुकेश यादव RUHS। सर्च करोगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगी। सबसे काम पहला काम तो इसमें ये PDF आपको डाउनलोड करना है, तो PDF वहाँ से आपको मिल जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है। इस ऐप की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये ऐप आपके पास ओपन हो जाएगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर ओपन होने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लेना। अब इंस्टॉल करने के बाद में क्या करना है आपके पास, या तो आप पहले ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना या टेलीग्राम कर लेना, कुछ भी कर लेना। ये दोनों ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अब जो सेकंड ऐप है ना XLXS ये वाला, इसमें आपको ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद में आपको किस प्रकार से ओपन होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए जो ऐप है वो ये वाला है, इसे आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपन करो। जैसे ही आप ओपन करोगे तो ओपन होने के बाद में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, एक तो ये वाला, ये और ये। इसमें आपको ये करना है व्यू XLS फाइल, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो डाउनलोड की हुई फाइल है वो अपने आप यहाँ आ जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। ये देखो ओपन हो गया। अब इसमें ओपन होने के बाद आपके पास ये फाइल मिल जाएगी, तो ये आपके पास ऐसे डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में, ये देखिए आप ये ओपन हो गया, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपका और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, टेक केयर, लाइक शेयर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ये जो आप PDF देख रहे हो ये रैंक वाइज है, और ये रैंक वाइज PDF डाउनलोड नहीं हो रही है। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है कि ये PDF डाउनलोड नहीं हो रही है, और डाउनलोड हो गई तो ओपन नहीं हो रही है। तो चलो इस बात का समाधान मैं आपको कर देता हूँ कि आपको ये किस प्रकार से ओपन करनी है। इसके अलावा एक कमेंट और आया था एक स्टूडेंट का कि जो रैंक है जिनके सेम नंबर है, जैसे ये सेम नंबर है
और इनकी रैंक है जो आपने सेम निकाली है, जैसे स्क्रीन थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो आपने ये नंबरिंग किस बेस पे दिया है? तो ये नंबरिंग है जो मिलेगा किस बेस पे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको मिलेगा DOB के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको मिलेगा। जो भी डेट ऑफ बर्थ जिसकी हाई होगी उसको हायर मेरिट मिलेगी, मतलब जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसकी रैंक हाई आएगी। अब इन चार पांच लोगों में अपन तुलना करें तो मान लें कि सबसे बड़ा यदि ये है, कौन, गुजर को मान लेते हैं, तो यदि गुजर बड़ा है तो इसको थर्ड रैंक मिलेगी, फर्स्ट रैंक और थर्ड रैंक इसको मिल जाएगी। जो भी हायर एज में होगा उसको रैंक पहले मिलेगी। अब मैंने किस अनुसार इसको सेट किया है, मैंने आप इसमें सेट किया है ये सीरियल नंबर के अनुसार। ये देखिए आप थर्ड नंबर पे आते हैं, अपन सीरियल नंबर के अनुसार सेट किया है। जो सीरियल नंबर हाई है, जो भी पहले आएगा उसको मैंने पहले प्राथमिकता दी है, सीरियल नंबर के अनुसार मैंने सेट किया है। और जो आपको मेरिट बनेगी वो आपको मिलेगी DOB के अनुसार, ठीक है? तो ये वाला कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। उम्र में बड़ा होगा उसको हायर मेरिट मिलेगी, यदि DOB सेम होगी तो फिर बाद में आपको 12th का मार्क्स देखा जाएगा। सबसे पहले आपकी DOB देखी जाएगी, इसके बाद में चार पांच क्राइटेरिया बना रखे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं बताता हूँ कि इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको दो ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पहला ऐप तो है टेलीग्राम, ठीक है, पहला ऐप तो है टेलीग्राम, और दूसरा ऐप है XLXS ऐप। ये दोनों ऐप इंस्टॉल करोगे तो ही ये फाइल आपके पास ओपन हो पाएगी। तो टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद में आपको सर्च करना है मुकेश यादव RUHS। मुकेश यादव RUHS सर्च करोगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगी। सबसे काम पहला काम तो इसमें ये PDF आपको डाउनलोड करना है, तो PDF वहाँ से आपको मिल जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है। इस ऐप की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये ऐप आपके पास ओपन हो जाएगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे ओपन होने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लेना। अब इंस्टॉल करने के बाद में क्या करना है आपके पास, या तो आप पहले ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना या टेलीग्राम कर लेना, कुछ भी कर लेना। ये दोनों ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अब जो सेकेंड ऐप है ना XLXS ये वाला, इसमें आपको ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद में आपको किस प्रकार से ओपन होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए जो ऐप है वो ये वाला है, इसे आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपन करो। जैसे आप ओपन करोगे तो ओपन होने के बाद में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, एक तो ये वाला, ये और ये। इसमें आपको ये करना है व्यू XLS फाइल, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो डाउनलोड की हुई फाइल है वो अपने आप यहाँ आ जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। ये देखो ओपन हो गया। अब इसमें ओपन होने के बाद आपके पास ये फाइल मिल जाएगी, तो ये आपके पास ऐसे डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में, ये देखिए आप ये ओपन हो गया, ठीक है? तो आप इसको इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपका और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है दोस्तों? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, टेक केयर, लाइक शेयर।